बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। ड्यू टू कोविड-19 ऑल द स्कूल्स आर क्लोज्ड, सो ICMS वर्सक हैज स्टार्टेड द ऑनलाइन क्लासेस टू फैसिलिटेट देयर स्टूडेंट्स एट होम। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रमोटेड टू क्लास 4। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फर्स्ट टर्म कोर्स एंड the chapters that will be included in first term course. So dear students, this is your content page. Let's discuss which chapters are included in the first term course. So unit number 1 you have on the index on the context page, that is first unit is PP long stocking. The name of the unit is PP long stocking. So this is included in first term course, and the first unit is A Night in June. This is the poem. This is the first unit and the first poem, The Night in June. Then unit number 2 is Pip Meets a Convict. Then we have the poem The Storyteller. Then third unit is Anansi and Five, and the third poem is Ledger. So dear students, we have 3 units and 3 poems in our first term course. So total topics are 6. So we have 6 topics in our first term course. So now I have to show you that how you can prepare the syllabus in your copy. So this is your copy's title page, ICMS school system. So dear students, you have the details that you should be write the name, class, section, campus and subject name. Dear students, we have 2 copies in this session, copy number 1 and copy number 2. So first of all, write down the name in proper neat and tidy writing, straight writing. Then mention the name of the class, that is class 4, and then here you can write the section name. Then which campus you are in? You are in Versak campus, so write down the name of the campus, Versak. Then you have to write the subject name. Is the saal hamare paas 2 कॉपीज हैं, कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2। तो आपने क्या करना है, हमारे पास जो इस दफ़ा कॉपी नंबर 1 है उसमें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का दोनों का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आपने कॉपी का जो 75% पोर्शन है वो इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपके रिवीजन का पोर्शन भी आएगा, और जो मिनिमम परसेंट पोर्शन है वो आपका ग्रामर वर्क होगा। तो एक ही कॉपी में आपका इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। जबकि आपके पास जो कॉपी नंबर 2 है, कॉपी नंबर 2 आपकी होमवर्क कॉपी है, जो कि आपका जो भी काम क्लास वर्क में करवाया जाएगा उसका सेम टू सेम आपने फॉलो अप करना है उसको एज अ होमवर्क। तो कॉपी नंबर 2 में आपका होमवर्क जाएगा बोथ लिटरेचर और ग्रामर का, और कॉपी नंबर 1 आपकी क्लास वर्क कॉपी होगी। सो आपको क्लियर हो गया कि एक कॉपी हमारी क्लास वर्क कॉपी है लिटरेचर और ग्रामर की, और जो दूसरी इंग्लिश की कॉपी है वो हमारी होमवर्क कॉपी है, जिसमें आपने लिटरेचर और ग्रामर दोनों का होमवर्क का काम करना है। सो लास्ट में हमारे पास सेशन है, तो आपने सेशन का नेम यहाँ पे मेंशन कर देना। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल द डिटेल्स ऑफ द टाइटल पेज, आपने अपनी कॉपी को मस्ट कवर करना है ताकि वो डिस्ट्रॉय या स्पॉयल होने से बच सके। आप जैसे ही अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज जहाँ पर आपने टॉपिक्स के नाम और उन टॉपिक्स की सब डिविजन्स लिखनी है, यानी फर्दर टॉपिक्स। सबसे पहले आपके पास डेट आएगी, जिस दिन का काम होगा आपने यहाँ पर उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पर चैप्टर का नेम, ये पोर्शन टीचर्स की यूज़ का है तो ये आपने छोड़ देना है। यहाँ पर पेरेंट्स ने ये पोर्शन पे यहाँ पे साइन करना है, तो ये पोर्शन जो है पेरेंट्स के फिल करने का है, और ये एरिया आपने इस तरीके से इसको फिल करना है कि यहाँ पर चैप्टर का नेम आपने मैंशन करना है, और हर चैप्टर में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिक्टेशन वर्ड्स, देन वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस, और लास्ट में है क्वेश्चन आंसर्स। तो हर यूनिट में, हर चैप्टर में आपके पास 4 टॉपिक्स हैं जो आपने कवर अप करने हैं। उसके बाद हर चैप्टर के बाद, जैसे हमने डिस्कस किया बुक में, कि हर चैप्टर के बाद आपके पास आती है पोएम। हर पोएम में आपके पास 3 सब टॉपिक्स हैं जो कि हैं वर्ड्स मीनिंग्स, राइमिंग वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स। इसी तरीके से आपको क्लियर हो गया कि हर चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं और हर पोएम में 3 टॉपिक्स हैं। ये आपके फर्स्ट टर्म का फुल कोर्स का इंडेक्स पेज रेडी किया जा चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडेक्स पेज जो है वेल प्रेजेंटेबल रहे, तो आप हर यूनिट और हर पोएम को हाईलाइट कर लें किसी भी लाइट कलर से, ताकि आपका जो नेम ऑफ टॉपिक है उसकी राइटिंग
हाईलाइटेड रहे, वो राइटिंग जो है वो क्लियर नज़र आए, इसलिए आपने लाइट कलर्स यूज़ करने हैं। और ये भी आपको बताया जाएगा कि क्लास वन से क्लास फोर तक पेंसिल यूज़ करना है स्टूडेंट ने, और क्लास फाइव ऑनवर्ड्स जो है वो फाउंटेन पेन यूज़ करेंगे। सो आपने ऐसा कलर यूज़ करना है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो अनक्लियर ना हो सके, यानी वो आपने लाइट कलर्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर वन है, उसके सब टॉपिक्स, फिर पोएम है हमारे पास, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, देन पोएम, देन चैप्टर, एंड लास्ट में हमारे पास पोएम है। सो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सब जो है हमारी फर्स्ट टर्म का कोर्स की एक्सप्लेनेशन है इंडेक्स पेज में, और जो हमारा सबसे लास्ट जो टॉपिक आता है वो है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कॉम्प्रीहेंशन जो हमारा हर लिटरेचर का जो एंड ऑफ द टॉपिक होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। सो दिस इज़ फुल पैटर्न ऑफ इंडेक्स पेज कि आपने इंडेक्स पेज को कैसे प्रिपेयर करना है, और ये हमारे पास फुल फर्स्ट टर्म का इंडेक्स पेज आपके सामने कंप्लीट किया जा चुका है। सो इंडेक्स पेज को लिखने के बाद आपके पास जो कॉपी का सबसे पहला काम आता है वो है राइटिंग पैटर्न। राइटिंग पैटर्न मींस कि आपने इस कॉपी में लिटरेचर या ग्रामर के काम में कौन सी राइटिंग को फॉलो अप करना है, तो वो फुल पैटर्न आपको स्टार्ट में ही शो कर दिया गया है, ताकि आपने जो भी काम करना है वो आपने इसी राइटिंग को फॉलो अप करना है। हर काम को स्टार्ट करने से पहले आपने पेज पे डबल मार्जिन लाइन मस्ट लगा देनी है। उसके बाद आपने लिखना है टॉपिक एंड नेम ऑफ टॉपिक, जो कि है हमारे पास राइटिंग पैटर्न। ये लिखने के बाद आपने हर टॉपिक को डबल अंडरलाइन करना है। इट विल बी बेटर कि अगर आप इस डबल अंडरलाइन को अगर आप इस रेड लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो आपकी एंडिंग लाइन बहुत नीट एंड क्लियर आएगी। सो टॉपिक राइटिंग पैटर्न इसी तरीके से आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ये लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से आपने इनको लिखकर एंड में आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। आपको हर एक चीज़, हर एक लेटर क्लियरली शो हो रहा है। आपने कैपिटल लेटर्स को इन्हीं तीन तरीकों से, यानी इन तीन लाइंस में आपने लिखना है, ना इस रेड लाइन के आगे जानी चाहिए और ना इस लाइन के नीचे आनी चाहिए, यानी फिक्स थ्री लाइंस में आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, और इन फिक्स टू लाइंस में अगर आपके पास रूट स्काई और रूट स्काई एंड थ्री तरह के लेटर्स होते हैं हमारे पास, रूट स्काई एंड ग्रास लेटर, हमारे पास तीन तरह के लेटर्स आते हैं जिनमें है रूट लेटर्स, ग्रास लेटर एंड स्काई लेटर्स। तो आपके पास जो रूट लेटर्स हैं वो इन तीन लाइंस के नीचे आएंगे, जो आपके पास ग्रास लेटर्स हैं वो इन टू लाइंस के मिड में आएंगे, और जो स्काई लेटर्स हैं फॉर एग्जांपल एफ है स्मॉल, तो वो आपके ऊपर की तीन लाइन में मेंशन होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से अपनी इस राइटिंग पैटर्न को फॉलो अप करके अपना इंग्लिश और ग्रामर और लिटरेचर का काम कंप्लीट करना है। सो इज़ इट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज राइटिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म कोर्स। सो बिफोर स्टार्ट द वर्क यू शुड ड्रॉ द मार्जिन लाइन, एंड द बेस्ट वे ऑफ ड्रॉइंग द मार्जिन लाइन इज दैट यू शुड पुट वन फिंगर एंड देन गिव वन फिंगर गैप, देन ड्रॉ द मार्जिन लाइन, सो योर लाइन मस्ट बी क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक इज राइट डाउन द नेम ऑफ द स्कूल इन कैपिटल लेटर्स, दैट इज ICMS, देन वर्सक कैंपस। वर्सक कैंपस में भी आपका W और C फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होने चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन बनता है वर्सक, तो ICMS वर्सक कैंपस आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, उसके बाद इसको डबल अंडरलाइन कर देना है। देन फर्स्ट टर्म सिलेबस 2021 एंड 22, देन अंडरलाइन दीज, देन नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन अंडरलाइन दीज थ्री टॉपिक्स। सो इसी तरीके से आपने स्टार्टअप ले लेना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बुक में डिवीजन बताई फर्स्ट टर्म के कोर्स की, तो आपने जो टॉपिक्स हैं यानी यूनिट्स जो हैं, नेम ऑफ द यूनिट, वो आपने इस मार्जिन लाइन के करीब लिखने हैं इस तरीके से, और जो नेम ऑफ द पोएम्स हैं वो आपने इतना स्पेस का गैप दे के लिखना है, ताकि हमें क्लियर हो सके कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं और पोएम्स कौन कौन से हैं। यूनिट्स की और पोएम्स की डिवीजन हमारे पास अलग से शो हो जाएगी। सो नंबर वन, जैसे मैंने आपको शो किया था कि पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, अ नाइट इन जून, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, द स्टोरी टेलर, एनएनसी इन फाइव, लाइजर। सो दिस इज ऑल अवर फर्स्ट टर्म कोर्स, एंड इन द लास्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, एंड हर काम के एंड में आपने एंडिंग लाइन मस्ट लगानी है। After writing the syllabus, must draw the ending line and then draw the margin line. First of all, draw the margin line and at the end of the every topic, you must draw the ending line. So dear students, this was the video that is about syllabus writing and to discuss the
topics that are included in our first term course. So dear students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.